उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन की ओर से एक भाईचारा धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत पर खतौली की जनता का धन्यवाद किया। और जयंत चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर तंज कसा। आपने वो करके दिखाया जो बहुत लोगों के नजर में असंभव था। आपने साबित किया कि ये देश आज भी महात्मा गांधी जी का है, बाबा साहेब का है, सरदार पटेल जी को मानने वाले, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों का ही है। आपने ये साबित किया कि रिक्शा चलाने वाले लोग, भैंसा बुग्गी चलाने वाले लोग, ट्रैक्टर, खुरपी, हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है, ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी, सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की। सरकार के ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाएं, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रुकने से ना रुकें। जैसे मदन ने कहा, बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है, चिंगारी जिंदा है। मैं कल रात को दुष्यंत जी की कविता पढ़ रहा था, मुझे लगा हमारे आपके इस अनुभव पे बिल्कुल सटीक बैठती, सुना दूं। फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मारे तुम्हारे विषय में, जो रास्तों में खड़ा था।